ये कहानी है रामगढ़ में रहने वाले कपूर परिवार की, जहां प्रिया की सास मीना हर बात में झूठ बोला करती। अब आगे देखना है कि मीना का झूठ बोलना उसके लिए कैसे हानिकारक साबित होता है। अरे सुबह सुबह किसको आफत आ गई है, सही से मुझे अखबार भी नहीं पढ़ने देते हैं। अरे बहू जा, जाकर गेट खोल, देख तो जरा कौन आया है। माँ जी मैं रसोई में काम कर रही हूँ, लगता है बाहर दूध वाले भैया आए हैं, आप जाकर गेट खोल दो। अरे सत्यानाश हो, सारे घर का काम मैं ही करूँ। अरे ओ दूधिया रुक जा जरा, आ रही हूँ, अब क्या बैल बजाते बजाते बैल खराब कर देगा। बड़बड़ाते हुए मीना रसोई में जाकर बर्तन लाती है और गेट खोलकर दूध ले लेती है। अरे मालकिन, आपका कुछ पैसा उधार था, हमको याद आया, शायद 200 रुपया था, जाइए पैसे लेके आइए। अरे दूधिया तू भी ना गलत समय पे आया है, तेरे भाई साहब जी अभी बाहर गए हैं, वो 2 दिन बाद ही आएंगे, और जब वो 2 दिन बाद आए तब तू आ जाना। तभी मीना का पति रमेश आकर सुमन से कहता है। अरे भाग्यवान, तुमने मेरा चश्मा देखा है क्या? अरे मालकिन, आपने तो कहा था भाई साहब बाहर गए हैं, ये तो यहीं पर है, आप कितनी बड़ी झूठी हो। अरे यार आपको भी अभी टपकना था क्या, मैं आपका चश्मा लेकर बैठी हूँ क्या यहाँ पे। इतना कहकर मीना गुस्से में मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। देखो भाई साहब, आपकी पत्नी तो बहुत झूठ बोलती है, ये रोज हमसे कोई ना कोई झूठ बोलकर ज्यादा दूध ले लेती है, और फिर पैसा के नाम पे आनाकानी करती है। अरे भैया क्या सोच रहे हो, अरे वो दिल की साफ है, अब बस झूठ ज्यादा बोलती है। दूधिया अपने पैसे लेकर पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। माँ जी आज मैंने YouTube से देखकर नाश्ते में कुछ अलग बनाया है, खाकर बताओ कैसा है। अरे वाह वाह बहू, क्या डिश बनाई है तूने, सच में मजा ही आ गया। सास की तारीफ सुनकर तो प्रिया खुशी से फूली नहीं समाती, वहीं ससुर और पति खाना खाना शुरू करते हैं और कुछ ही सेकंड बाद टेढ़े मेढ़े से मुंह बनाते हैं। अरे लगता है माँ जी ने मेरे हाथ की डिश ना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है, देखिए कैसे मजे से मुंह चलाते हुए खा रहे हैं। अरे छी, कैसी डिश बनाई है, इससे अच्छा जहर दे देती हमें, इतना तेज नमक खिलाकर क्या करना चाहती हो तुम हमारे साथ। तभी सास जोर जोर से हंसने लगती है और प्रिया आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। माँ ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने टेस्ट किया था तो हमें भी बता देती, खामा का हमारा भी टेस्ट खराब कर दिया, ये सब आपकी झूठ बोलने की वजह से हुआ है, आपको झूठ बोलने से फुर्सत हो तब ना। इसमें मेरी क्या गलती है, खाना खुद की पत्नी ने बेकार बनाया है और ताने मुझे मार गया, अजीब ही औलाद पैदा करी है मैंने भी। अरे यार यहाँ तो बहुत भीड़ है, अब क्या करूं? चल सुमन अब शुरू हो जा, अब दिखाते हैं इन्हें हम अपना खेल। सुमन खुद से बात करते हुए ड्रामा करते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे हाय हाय, अरे ये क्या हो गया, अरे कोई तो उठा लो मुझे, मेरा पैर फिसल गया है, अरे मर गई मैं, अरे कोई तो उठा लो, हे भगवान बचाओ मुझे, कोई तो उठाओ। अरे बहन कैसे गिर गई आप, चोट तो नहीं लगी ना ज्यादा आपको, ये लीजिए मेरा हाथ पकड़ कर खड़े हो जाइए। ए बहन तू मुझे उठा रही है ना, ले बहन मेरा हाथ पकड़, अगर तू मुझे उठाएगी तो भगवान तुझे उठा लेगा। अरे अरे मेरा मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा, तू खुश रहेगी। सुमन उस औरत के सहारे खड़ी हो जाती है और तुरंत सब्जी वाले की ठेली खाली देखकर फुर से वहाँ चली जाती है। अरे ये क्या, अभी तो जमीन पे पड़ी हुई दर्द में करा रही थी और अब अचानक से सब्जी लेने के लिए भाग गई, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं से, औरत है जी नहीं है। ओ बहन जी सुनिए। ए चुप हट, चल। मैं चली अपने घर जाते हुए। सुमन घर आकर सभी को बाजार वाली बात बताती है कि कैसे उसने झूठ बोलकर ड्रामा किया। अरे सुधर जाओ वरना बहुत पछताओगे एक दिन। अरे जाओ जाओ, आए बड़े मुझे नसीहत देने वाले, खुद से तो एक काम होता नहीं है, और चले मुझे सिखाने के लिए। रमेश सुमन की बात सुनकर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से प्यार भी बहुत करता था, तभी वो मजाक करते हुए अपनी बहू से कहता है।
अरे बहू तेरी सास का मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे मन करता है कभी कभी इसको आगरा भेज दूँ। मगर पापा जी आगरा क्यों? अरे आगरा में पागल खाना है ना, तो वहीं भेज दूंगा। अरे हम सबको पागल बनाकर वहाँ भेजे, इससे अच्छा इसी को भेज देता हूँ। किशन जी मैंने फ्रिज में पनीर रखा था, वो आपने खाया है? अरे मैं क्यों खाऊंगा? मैं जानती हूँ आपको पनीर बहुत पसंद है, पनीर देखते ही आपके मुंह से पानी आने लगता है। अरे यार हद हो गई, जब मैंने कह दिया कि मैंने पनीर नहीं खाया, तुम फिर भी मुझ पर पनीर के चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अगर आपने पनीर नहीं खाया तो फिर पनीर खाया किसने होगा? अरे माँ से जाकर पूछो, जरूर उन्होंने ही खाया होगा। माँ जी मैंने फ्रिज में पनीर रखा था, मैं सब्जी बनाने जा रही थी लेकिन फ्रिज से मुझे पनीर गायब दिखा। अरे बहू कौन सा पनीर, कैसा पनीर, किसका पनीर? अरे पनीर को देखे हुए तो मुझे सालों बीत गए हैं। अरे एक मिनट, तूने कब खिलाई मुझे पनीर की सब्जी, जो तू मुझे कह रही कि मैंने पनीर खाया है? माँ जी अगर आपने नहीं खाया तो फिर पनीर गया कहाँ? अरे बहू मुझे क्या पता पनीर कहाँ गया कहाँ नहीं, तू मान या ना मान मुझे पक्का यकीन है पनीर न किशन ने खाया होगा। ये सुनकर प्रिया वहाँ से चली जाती है, तभी सुमन छुप कर रखा हुआ पनीर निकाल कर खा जाती है और कहती है, आहा, चुरा कर पनीर खाने का तो मजा ही अलग है, लेकिन क्या करूँ झूठ बोलने में मजा ही इतना आता है, और अगर मैं सच बता दूँ कि मैंने पनीर खाया है बहू मुझे झूठा कहेगी, इससे अच्छा है कि किशन को ही पिटने दो, खुद तो पनीर के मजे लो मजे। प्रिया किशन से जाकर लड़ने लगती है और दोनों में लंबी बहस हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन सुमन झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही थी और इस तरह वो हर दिन झूठ बोला करती। और ऐसे ही एक दिन, ए देना रे, अरे देना, मैं तेरे लिए नाची रे, तू मुझे पैसा नहीं देगी क्या? हाँ देना। ले रे, अब मैं भी तेरे लिए नाची ना, अब देना। हाय हाय कैसी औरत है रे तू, हाँ हमारी नकल करती है। अरे हमारी नकल करेगी ना तो पाप लगेगा तुझे, हाँ बता दे रही हूँ। अरे तो मेरे घर में कौन सा बच्चा हुआ है जो तू मुझसे पैसे मांगने आई है? अरे सुन सुन एक बात बताती हूँ, मेरी पड़ोसन सीमा है ना, उसकी बहू को लड़का हुआ है लड़का, और उसकी बहू अपने बेटे को लेकर गाँव चली गयी है ताकि कोई किन्नर पैसे मांगने आए तो वो चालू औरत उसे भगा दे। आय हाय कैसी औरत है ये, हाँ ए इसको छोड़ो और सीमा के घर का पता लगाओ, उससे पैसा लेकर जाएंगे, क्योंकि ये औरत तो मुझे ना अब बहुत खतरनाक लगती है, ये तो एक चबरनी ना दे हमें। सभी औरतें मुंह बनाकर वहाँ से सीमा का पता लगाकर उसके घर पहुँच जाती हैं। तभी प्रिया कहती है, माँ जी आपने ऐसे उन किन्नरों से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, अब बेचारी सीमा आंटी तो फंस गयी। माँ आपको कितना समझाया, हमेशा इतना झूठ बोलना सही नहीं होता है, आप कोई छोटी बच्ची हो क्या, आप हम सबकी माँ हो, आपने हमें जन्मा है। अरे ओ बेशरम तू क्या कह रहा है ये कि मैं सबकी माँ हूँ, अरे नलायक देख तो सही यहाँ तेरा बाप भी खड़ा है, क्या तेरे बाप को भी पैदा मैंने ही किया था, अगर अगली बार ऐसा कुछ बोला ना तो चप्पल ही चप्पल मारूंगी तेरे मुँह पे, मैं सिर्फ तुम दोनों की माँ हूँ। और हाँ अरे आपकी मुस्कुरा रहे हो, बताऊं क्या अभी? वहीं दूसरी तरफ किन्नर लड़ झगड़ के सीमा से पैसे ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद प्रिया की बहन प्रिया के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी, वो माँ ने ना दीदी के लिए कुछ कपड़े और कुछ खाने का सामान भेजा है। अरे वाह वाह बेटा क्या बात है, बहू के मायके वाले उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अरे लाला ये सामान मुझे दे दे, और बेटा तेरी दीदी तो अभी बाहर गई है किसी काम से, आजा आजा तू बैठ जा। अरे नहीं नहीं आंटी जी कोई बात नहीं, दीदी से मिलने में फिर कभी और आ जाऊंगी, अभी मैं घर जाती हूँ, माँ घर में अकेली है। सुमन झूठ बोलकर काजल को घर से चलता कर देती है और बहू के मायके से आया सामान देखकर बहुत खुश होती है। इतना सब कुछ खाने का सामान, तभी तो सुबह सुबह मेरी आँख फड़फड़ा रही थी, तभी मैं समझ गई कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मोती चूर के लड्डू और ये नई नई साड़ियाँ, अरे वाह वाह आज तो मेरा दिन ही बन गया। अरे क्या बात है माँ जी, आप इतना क्यों खिलखिला रही हो, कोई घर आया था क्या? अरे अरे नहीं नहीं बहू कोई भी नहीं आया था, तू जा
जाकर कमरे में आराम कर ले। ठीक है माँ जी, वैसे भी मैं आज काम करके काफी थक गई हूँ। अरे वाह वाह, इसमें तो 4 साड़ियाँ हैं और इतना सारा खाने का सामान। एक साड़ी बहू को दे देती हूँ और कह दूंगी मार्केट से लाई हूँ, बस देना भूल गई थी। ऐसे ही रात होती है और सुमन प्रिया के कमरे में जाकर उस बहू, ओ मेरी प्यारी बहू, देख देख मैं तेरे लिए साड़ी लाई हूँ, देख तो सही कितनी अच्छी है। मैंने तो अपने लिए सिंपल और टिकाऊ साड़ी ली है, लेकिन मेरी बहू की शान में कोई कमी ना आए, इसलिए मैं तेरे लिए महंगी साड़ी लेकर आई हूँ, पूरे 2000 की है। अरे यार, क्या सच में माँ जी ने ये साड़ी मेरे लिए ली है? माँ जी की बातें और इतना प्यार देखकर तो लगता है माँ जी बदल गई हैं। अरे बहू, कौन सी गहरी सोच में डूबी हुई है? वो साड़ी देकर वहाँ से चली जाती है और प्रिया साड़ी लेकर बहुत खुश होती है। और ऐसी अगली सुबह, सुमन, ओ सुमन, तू बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसी हुई उन किन्नरों से झूठ बोलने की? अरे तेरी वजह से वो मुझसे लड़ झगड़ के मुझसे 10,000 रुपए ले गई। वो तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर ये बात तुमसे कही किसने, तब जाके मुझे सच पता चला, इस मोहल्ले में तू ही है वो झूठी औरत। चल अब मेरे पैसे दे। बावली हो गई है क्या? कौन सा पैसा, कैसा पैसा, गांजा फूक के बैठी है क्या? और किन्नर आए ना आए, तेरे घर जाए कहीं भी जाए, उससे मुझे क्या मतलब? क्यों बहू, मैंने सही कहा ना, बताई सीमा को, हमारे घर तो कोई नहीं आया था जो हम तेरे घर भेज देंगे। बेचारे प्रिया अब बुरी तरीके से फंस जाती है, उसकी सास ने सीमा से झूठ जो कह दिया था, अब उसे ना चाहते हुए भी अपनी सास की हाँ में हाँ करनी पड़ती है। अरे सीमा काकी, माँ जी सही कह रही है, यहाँ कोई किन्नर नहीं आया और ना माँ जी ने आपसे कोई झूठ कहा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा अच्छा बहू, चल ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ, ना जाने कौन सी नाज पीटी कमबख्त औरत ने झूठ बोला है, भगवान करे उसका सत्यानाश जाए जिसने भी ये झूठ कहा है। सीमा की बददुआएं सुनकर सुमन टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाती है, सीमा के मन में तो जैसे ज्वालामुखी ही जल रहा था। अरे ओ सीमा, बस कर, अब क्या बददुआ दे देकर उसे मार ही देगी क्या? अरे मैं तो कहती हूँ उस औरत को लंबे लंबे कीड़े पड़े, खतरनाक बीमारी हो जाए, उसे कुत्ते काटे, उसके 100 इंजेक्शन लगे। गुस्से में लाल पीली सीमा बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है और शाम को जब किशन घर पर आता है तो प्रिया उन्हें सारी बातें बताती है। अरे आज तो माँ ने हद ही कर दी, क्या करूँ मैं अपनी माँ का, हर बात में बस झूठ झूठ। हे भोले बाबा, अब तू ही हमें कोई रास्ता दिखा जिससे मैं अपनी माँ की झूठ बोलने वाली आदत को खत्म कर सकूं, नहीं तो एक दिन हम ही खत्म हो जाएंगे माँ के झूठ सुनते सुनते। हाँ किशन जी, कैसे भी करके माँ जी को लाइन पर तो लाना ही पड़ेगा। और हाँ एक बात और, कल हमें माँ के घर जाना है, माँ ने आपको और मुझे खाने पर बुलाया है। तो यूं ही बातें करते हैं और रात से सुबह हो जाती है। प्रिया रेड कलर की साड़ी पहनती है जो उसकी सास ने झूठ बोलकर उसे दी थी। थोड़ी देर बाद दोनों कार से प्रिया के मायके पहुँचते हैं। अरे वाह, मेरी बेटी तो इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ माँ, ये साड़ी मुझे मेरी सास ने दी है, पूरे 2000 की साड़ी है। क्या, तेरी सास? हाँ माँ हाँ, मेरी सास ने ही दी है, लेकिन आप इतना हैरान होकर क्यों पूछ रही हो? ये साड़ी तो मैंने काजल के हाथ भिजवाई थी, और एक नहीं 4 साड़ी भिजवाई थी, और खाने पीने का सामान, मिठाइयाँ ये भी भेजी थी। ये बात सुनकर प्रिया को अपनी सास की झूठ बोलने वाली बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। किशन जी, अब आप ही देख लो, माँ जी ने तो हद ही कर दी, उन्हें किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है क्या? मुझे लगा ये साड़ी मेरी सास मेरे लिए लाई है, ये देखकर मैं कितनी खुश थी, और माँ जी ने मुझसे इतना झूठ कहा, यहाँ तक कि काजल के घर आने वाली बात तक नहीं बताई। क्या करूँ यार मैं अपनी माँ का, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आता है। ये सारी बातें सुनकर मेघा उनको एक तरकीब बताती है, फिर उसके बाद जो होता है वो आगे देखते हैं। हे राम, ये मुझे 2-3 दिन से उल्टियाँ क्यों हो रही है, ना जाने शरीर थका थका क्यों लग रहा है, कहीं मैं माँ बनने वाली तो नहीं हूँ, वैसे ये बुड्ढा ठरकी हो गया है। जो कुछ भी हो एक बार हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवा लेना चाहिए। अरे बहू तुम मायके गई है और किशन अपने काम पर गया है, किसी का कुछ अता पता ही नहीं है, कैसे करते हैं क्या करते हैं,
मैं अकेले हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी? एक काम करती हूँ, अकेले ही चली जाती हूँ हॉस्पिटल। अगर कुछ निकला विकला भी ना तो मेरे तक ही बात रहेगी। इतना कहकर सुमन कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुँचती है और डॉक्टर सभी टेस्ट करने के बाद उनसे कहते हैं, अरे ये क्या देख लिया मैंने, अरे आप तो कुछ दिन में निपट जाओगी। अरे ओ डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हो, सही से बताओ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास बस कुछ दिन बचे हैं, क्योंकि आपको कैंसर है और अपने परिवार के साथ जितना वक्त हो सके गुजार लो, वरना आप तो टपक जाओगी। ये सुनकर तो मानो जैसे सुमन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और आंख में आंसू लिए घर पहुँचती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ, अकेले बैठे बैठे रो क्यों रही हो? सुमन रोते हुए उसे सारी बातें बताती है। अरे सुमन, इतना बड़ा झूठ बोलने लग गई, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, झूठ बोलने का तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। मैं मरने वाली हूँ, बहुत कम दिन बचे हैं। अरे ये सारे ड्रामे किसी और के सामने दिखाना, हमें सब पता है कितनी बड़ी झूठी हो, ये रोना धोना सब नाटक है, सब पता है हमें, लेकिन मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। सुमन बहुत रोती है और अगले ही दिन सुमन की बहू प्रिया घर आती है। सुमन उसे सारी बात बताती है लेकिन वो भी यकीन नहीं करती और उसका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। सुमन अपनी पड़ोसन सीमा के घर आती है और उसे भी सारी बातें बताती है। सीमा, तू तो मेरी बात पर यकीन कर, मेरे परिवार वाले तो मेरा यकीन नहीं कर रहे, कम से कम तू तो अपनी सहेली पर यकीन कर। कोई भी सुमन की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था और ऐसे ही दिन प्रतिदिन सुमन की तबीयत खराब हो जाती है और सुमन बहू से कहती है, अब शायद मेरे पास बहुत कम दिन बचे हैं। बहू, मेरे जाने के बाद मेरी फोटो पर रोज अगरबत्ती दिखाइयो और आप दूसरी शादी मत करना, एक दो साल में मेरे पास आ जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, और ना पिटे तू, मेरे मरने के बाद ना घर के बाहर एक बड़ी सी मूर्ति बनवाइयो जिसपे एक हार चढ़ाइयो और नीचे लिख दियो, स्वर्गीय सुमन देवी स्वैग वाली, और भगवान मैंने जितने भी झूठ बोले हो उसके लिए मुझे माफ कर दियो। मैं तेरे पास आ रही हूँ भगवान, लेकिन मैं आना नहीं चाहती, लेकिन मुझे आना पड़ रहा है। तभी प्रिया कहती है, माँ जी आपको कुछ नहीं होगा और ना ही हमें छोड़कर आप कहीं जाओगी, क्योंकि आपको कोई बीमारी नहीं है, ये सब खेल मेरा और किशन जी का रचा हुआ है। आपके झूठ बोलने से हम इतना परेशान हो गए थे कि हमने ठान ली थी कि कैसे भी करके आपको आपकी गलती का एहसास दिलाना है। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो डॉक्टर सब एक ड्रामा था, पर आप एकदम ठीक हैं। बहू मुझे माफ कर दे, मुझे सच में आज एहसास हुआ है कि जब हम किसी से झूठ बोलते हैं और वो हमारी बातों को सच समझ के उस पे यकीन करता है तो उसके बाद उसे हमारे झूठ का पता लगता है, जिसके बाद उसे कितना बुरा लगता होगा। बहू मुझे माफ कर दे। चलो अंत भला तो सब भला। अब से कभी सुमन झूठ नहीं बोलती और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।